छोड़ना के नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, कसम कर दूं क्या पूरा के छोड़ दूं, छोड़ के नहीं छोड़ू। कहां से लाया था तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से? कब मारने वाला था उसको? फूल सिंह को कैसा मारने वाला था तू? लगला उठा, फूल सिंह को क्या करने वाला था तू? क्या करने वाला था? कैसा मारने वाला था फूल सिंह को? कैसा मारने वाला था? उसके अंदर तेज जोर से, और जोर से पूरी ताकत लगाते रही, और जोर से, जोर से, जोर से। कौन इसको औरत दे चुकी हमारे वाली? जिन्ना दे शैतान है। कौन से शमशान से लाए तुझे? जलाओ उसके हाथों में, आओ आग लगाओ, तेज से आग लगाओ, उसके दोनों हाथों में आग लगाओ। कैसा मारने वाला था इसको? कैसा? ऐसा क्या बोले थे इसको? मार दे बोले थे? कैसा बोले थे? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के कैसा मार बोले थे? और क्या कर रहा था उसके अंदर बैठ के? क्या तकलीफ दे रहा था? आगे जला देना, इधर दोनों हाथ काट के ले लेना। फूल सिंह को क्यों तकलीफ दे रहा था तू? फूल सिंह ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या करा थे? जमीन पे कब्जा करा, तेरा घर तोड़ दिया, तेरा खजाना निकाल के लिया फूल सिंह ने? क्या करा ऐसा? बोलने तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार मार के नष्ट करेंगे फिर। हाँ बोल। उसके अंदर तेज तेज साथ में। क्या रे शैतान, तेरे दोनों हाथ काट के ले लू आप? हाँ बोल। बहुत पुल सिंह को परेशान कर रहा था। कहाँ से आया था? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? झगड़ो और झगड़ो, झगड़ो झगड़ो, झगड़ो।
क्या क्या करें, छोड़ छोड़ देना। अच्छा ये बच्चे को कितने साल से परेशान कर रहा था, फूल सिंह को कितने साल से परेशान कर रहा था, बोल कितना टाइम होगा, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 6 महीने, कितना वक्त, कितना वक्त, जल्दी कितना वक्त, कितना, जोर से बोल, सबको सुने आना, जोर से, हाँ जोर से बोल, हाँ कितना वक्त होगा, फूल सिंह को परेशान करते हुए कितना वक्त हुआ, बोल, तू बोला तो छोड़ेंगे, नहीं बोला तो मार के खत्म कर देंगे, हाँ बोल, कब से परेशान कर रहा था, कितना वक्त होगा, कितना 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 वक्त हुआ, छोड़ू नहीं छोड़ू तुझे, छोड़ू क्या ना, तो छोड़ू, झगड़ो उसको और तेज झगड़ो, क्या करना, एक काम करेंगे तेरे दो टुकड़े कर देंगे और तुझे शीशी में डाल के जमीन में गाड़ देंगे, करूं गाड़ू जमीन में, हाँ चल फिर बता, नाम बता, जल्दी बता बता, कितने साल से परेशान कर रहा था, कितने, क्या तकलीफ दे रहा था उसको, क्या तकलीफ दे रहा था, क्या तकलीफ दे रहा था, हाँ चल बोल, क्या तकलीफ दे रहा था उसको, फूल सिंह को क्या तकलीफ दे रहा था, क्या तकलीफ दे रहा था, क्या, उसके पेट में भाग रहा था अंदर से, उसको बीमारी लगा रहा था, अच्छा उसको मार देने वाला था क्या, अम्मास में पुन्नम में, कब, कहे में, पुन्नम में, अम्मास में, नाम से बोल, कहे में, कब मारा, कहां से बोल, जलाओ जब तक नहीं भूलेगा, उसके अंदर आग लगाते रहो, उसके अंदर तेज से आग लगाओ, जब तक बयान नहीं करेगा जब तक उसको जलाते रहो, बोल तू सही सही बोल के जाना पसंद करेगा कि तुझको मार के भस्म कर रहा हूं, बोल तेरे साथ अब क्या सुलूक करेंगे हम, तेरे हाथ आ काट के बाहर भस्म करा के टंगा दूं, फूल सिंह को कब मारने वाला था, मारने वाला है, मार देने वाला है, और इसके घर से कितने लोगों को मारने वाला है, कितने, वैसा नहीं जबान से बोल, कितने, सबका सफाया, इक्का दोका, जबान से बोल नारा, सबका, सबका सबका, पहले किसको मारने वाला है, फूल सिंह को, फूल सिंह को, उसके बाद जो बच्चों को, कौन सा वाले बच्चे को पहले, उसके बेटे को, क्या नाम था उसका, फिर बेटे के बाद किसको मारने वाला है, किसको, और अम्मा से मारने वाला है पुन्नम में, फूल सिंह के भाई को भी तू परेशान कर रहा क्या, क्या कर रहा उसको, पागल कर रहा, पीके, पीके पागल कर रहा, क्यों कर रहा, वजह, क्यों, वजह क्या है उस बात की, पागल करने की उसके भाई को, किस लिए, उसके भाई की तेरी क्या दुश्मनी है, बोल, क्या पानी, उस भाई को पिला रहा तू, ला रहे इसको पानी, आग लगाएंगे इसके पेट में से और तेजी से,
हाँ फूल सिंह को कब मारने वाला तो अम्मास में पुण्यम में? हाँ तुझे ऐसा बोले फूल सिंह को मार दे बोले अम्मास में बोले पुण्यम में बोले, और तू बीमारी बदल के मारने वाला है, एक्सीडेंट करा के मारने वाला है, क्या सुसाइड कराने वाला है? जल्दी बता। हाँ कैसा मारने वाला है फूल सिंह को? कैसा मारने वाला है? कैसा? एक्सीडेंट करा के? क्या सुसाइड करा के? वैसा नहीं, जबान से बोल। बताने तुझे पूरा काट के चला दूंगा। बता रहा नहीं बता रहा? कैसा मारने वाला? कैसा मारने वाला उसको? कैसा? बीमारी बदल के? क्या एक्सीडेंट करके? क्या बीमारी बदल? कौन सी बीमारी? कैसी? कैसे वाली बीमारी? कैसे वाली बीमारी? अच्छा अम्मास में पुण्यम में कब मारने वाला है? मौका देख के मारने वाला है कि अम्मास में पुण्यम में मारने वाला है, या जैसा टाइम मिलगा वैसा मारने वाला है? कैसा? कैसा? जलाओ उसको। कैसा मारने वाला है? जलाओ उसको। कैसे मारने वाला है? कैसा? कैसा? बोलता क्या? हम जलाना देखो तेजी से। बोलता या जला दूं पूरा? हाँ बोल। कैसा मारने वाला? मौका देख के मारने वाला है, अम्मास में मारने वाला है, पुण्यम में मारने वाला है, या फिर टाइम मिलते मौके मार देने वाला है? कैसा? 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 टाइम मिलते मौका देख के मारने वाला है। बाकी फिर उसके घर में से और कितने लोगों को मारने वाला है? कितने? अच्छा जो जादू चला है तो वो इसके फूल सिंह के माँ के रिश्तेदार है, बाप के तरफ के रिश्तेदार है, कि ससुराल के तरफ के, क्या दोस्तानी के तरफ के लोग हैं? किधर के? नाम मत बोल, खाली शनाख्त बता। किधर के? किधर के है? किधर के दोस्तां हैं, रिश्तेदार हैं, माँ के बाप के, किधर के रिलेटिव है, कौन है? तुझे हुकुम दे के भेज दिए, मार दे बोल के तू आगा। ठीक है चल, अब क्या करना, तू दूसरे चक्कर तक मेरे को सबके नामा याद करके आके सुनाना। कौन इसके अंदर डाले, लाके कहां से लाके डाले, कितने लोग थे, किसने जादू चलाया और क्यों चलाया, क्या मकसद से, सारे बातें मेरे को याद करके आके सुनाना। ठीक है चल, वो भाग चल वापिस बार पांडव बाहर, सब याद करके आगे दूसरे चक्कर में सुनाना मुझे। चल उतले के जैसा मत खड़े रहे कैमरे। जा जा जा, तो इसको निकल बाहर जल। हाय फूल सिंह पानी कहां से गिर गया, बारिश आ गई थी क्या? हेलो पानी भी क्या हुआ? हाँ क्या हो रहा है इधर? तो क्या हुआ? ये कौन है? कौन है भाई? ये बेटा है, साला है, साला है। और उसके बाद में क्या बोलते थे तुम्हारे पापी? तुम्हारे आम ही तो कुछ शैतान आया था, इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या कहीं दूसरे तरफ? कहीं बताया कुछ जगह बताया नहीं, तो कहीं हाजिर हुआ क्या? हाजिर नहीं हुआ, हाजिर नहीं होता। मैं घर पे कितने दिन हो गए बोले तो मैं ऐसा बताया तो ऐसा करके तेरे शैतान के मुंह में डाल के करने आते तो बोलते बोले थे घर छोड़ बोले तो घर छोड़ जाता। मैं घर छोड़े तो भी कहीं भी गए तो भी मेरे को रूम लिया जरा, जरा रूम लिया, वहाँ भी ऐसे
काला पीला एकदम तीन कलर होता और एक जांडिस हो गया बोल के और भागते रहना जांडिस के पास। कुछ ऐसा महसूस होता पैरों की तरफ से कुछ चढ़ रहा। हाँ और नीचे से ऐसा ऐसा आके एकदम ये ऐसा यहाँ आके ऐसा चूचे सर का होता सब सर करे सर का। अगर हाजिर होगी कभी सवाल जवाब नहीं करा नहीं करा। अच्छा रिलास तो करे होंगे तुम बहुत जगह गए होंगे। कहाँ कहाँ गए थे? बहुत जगह गया बहुत बोले कितने है उतने जगह फिर गया। कितने साल से चल रहा था ये? अब मेरे को देखो ये मेरे करुण आया बोले तो वो लगी जब से एक महीने में करुण आया मेरे को। जब आके मैं दवा खाने से रिटर्न आ गया रिटर्न आ गया जब से मेरे को क्या बोलते हैं अपन ये जो चिकन मटन खाना बोलते ना वो जब आके घर में हमारे एक मूले है मूले के घर में मैं पलंग पे रह के खाया दबा के खाया वो खाया जब से मेरे को पेट चढ़ा सिर चढ़ने लगा जब से करुणा है जब से होगा मेरे को जब से वो तो तुम्हारे को तुम्हारे अंदर भी आया था उसने उसने आके बोला ये सुन रहा था। क्या बोल रहा था वो? हिंदी समझ रही थी क्या? हिंदी समझती क्या? हिंदी कहाँ से आए तुम लोग? जहीराबाद। हाँ जहीराबाद से। अच्छा क्या क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? मारने वाला बोल रहा कुछ। हाँ क्या बोल रहा था? और बेटे को भी मारने वाला बोल रहा कुछ बोला उसने आके उसने रिकॉर्डिंग कर देखो और उसके बाद में पूरे फैमिली कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? पूरे फैमिली को मार रहा। ऐसा बोले कौन बोले तो अभी उन्हें नाम नहीं बोला अभी दूसरे चक्कर तक मैं नाम दूसरे सेकंड राउंड में जो भी है नाम वाम अगर इन्होंने बोले तो पूछूंगा। और किस चीज में खिलाए थे क्या खिलाए थे पूरा बारीकी से तफसीली खुलासा सेकंड राउंड में इंशाल्लाह करूंगा क्योंकि अभी उसको पकड़ लिए पहली बार में और पकड़ के उसको सामने लाए। अच्छा तुम्हारा कितना राउंड है? पहला है सेकंड है? सेकंड है। सेकंड बार आए पहली बार आए थे पहली बार उनके आंख पे कुछ भी नहीं आया कुछ भी हाजिर नहीं हुआ कुछ भी नहीं। पहली बार उनको धुआं पानी दिए कुछ सामान लिखा के दिए दुकान से लाए वो सामान पड़ा के दम करा के अपना अपना सामान घर को ले गए। फिर ले जाने के बाद घर पे अमल करे फिर उन्होंने जब सेकंड राउंड में आए तो सेकंड राउंड में उनके आंख पे जो भी शय थी वो पकड़ लिए बरोबर। फिर उसके बाद में वो शय ने क्या सवाल जवाब करके आया उसमें है रिकॉर्डिंग में देख लो है सर का हर तरीके रहते हर चीज के इलाज के अलग अलग। अब भी जा गए अभी निकाल दो एक मिनट में ऐसा तू भी सबके अलग अलग रूल करते अलग अलग तरीके से। देखो अब कैसा इनका पहली बार आए थे क्या हुआ था? पहली बार कुछ आया था गैंग में? दूसरी बार है क्या तुम्हारा ये? अब आगा ना सामने दूसरी बार में। पहली बार में सामान लाए घर को लेके गए सब पढ़ा के दम करा के उनके पानी आए इतना जो भी एक्स वाई जेड घर पे अमल करे अपना अपना सामान दुकान से लाके घर को लेके जाके फिर उसके बाद में जैसा यहाँ पे क्या बोलते तो आ गए की दूसरे राउंड में आगा सामने सबका अलग अलग क्या बोला क्या नहीं उसके अंदर कुछ सब बयान है सब रिकॉर्डिंग है सौ बका एक लिखा बोलते नहीं क्या तो वैसी बात है सौ बक बक कर मगर एक ही रिकॉर्डिंग लिया वैसी बात है देख लो उसके अंदर सब कुछ है। मगर सारे दुनिया से मुखातिब हूँ मैं इस बात से कि ये कहता हूँ मैं तुम लोगों को बार बार ये होता जा रहा है कैमरे वाले बार बार तुम लोगों को ये कहता हूँ मैं कि समझो कि ऐसे हरकतें मत किया करो तुम एक दूसरे की जिंदगी ऐसा जादू कोने करके बर्बाद कर दे रहे कितनी बुरी बात है कितनी बुरी और गलीज बात है। कौन है तुम? नाम क्या तुम्हारा पूरा? पुल जादवपुल सिंह। जादवपुल सिंह तुम सिंह है या फिर क्या है? ये गुरमाटी एसटी आता लमानी। हाँ लमानी वो ऐसे हरकतें नहीं करते तो हिंदू है समझो। हाँ हाँ हिंदू लमानी बंजारा तो बंजारा समाज बंजारा से तो ये सब एक दूसरे के ऊपर जादू टोन नहीं करना। और यहाँ मेरे को बोलते कि हिंदू का इलाज मत करो मुसलमान का करो इनकार ऐसा नहीं रहता मेरी मर्जी मैं सबका इलाज करूंगा और मैं बरोबर सबका करता हूँ सबको बरोबर देखता हूँ। मेरे सामने ये सूफीज्म है सूफी मूवमेंट हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को आज भी जोड़ के रखे आला है। तुम लोग क्या भी बोलेंगे तुम लोग भेदभाव करके देश में वो कर दे रहे तुम क्या बांट दे रहे तू हिंदू तू मुसलमान वो फलाना क्रिश्चियन उन्हें सिख ऐसा कुछ भी नहीं रहता यहाँ ये सूफीज्म है ये दर सबके वास्ते एक जैसा है। जिसको तकलीफ होती ना उसको ही पता चलता क्या तकलीफ रहती क्या दर्द रहता हो दर्द जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता। दूसरे बैठ के क्या है मजे लेते हैं बड़े बड़े बात करते हैं ये पेशेंट को चेक मत करो वो जात वाले को मत आंदो ये नहीं ऐसा कुछ नहीं हर जात वाला हर समाज वाला सबको मैं देखूंगा और देखूंगा तुम कुछ भी बोल लो कोई कितना भी प्रेशर डाल लो किसका प्रेशर चलता नहीं मेरे ऊपर तुम्हारे प्रेशर तुम्हारे पे लपट के डाल दूंगा मैं ज्यादा होशियार करेंगे तो मेरे साथ। और यहाँ सबके वास्ते यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई आता और हर कोई जाता और हर किसी को मैं देखता अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के कलाम की ताकत से सबको फैज दिलाता हूँ क्योंकि कुरान मुसलमानों के वास्ते विरासत में नहीं उतरा
कुरान सब जात और सब धर्म के वास्ते उतरा, अल्लाह उसके रसूल का कानून कायदा सबके वास्ते, शरीयत सबके लिए, कुरान सबके लिए है, हदीसा सबके लिए, दुआएं सबके लिए है। मुसलमान भी पढ़ेगा तो दुआ मोमिन के लिए हथियार है, और कोई गैर समाज का भी पढ़ेगा तो उसकी भी तो मदद, तो उसकी भी तो वो होने आ रही है ना। अभी देखे ना उसको कुरान पढ़ के दम करे तो उसको भी फैज मिल रहा था, उसको भी शिफा मिल रही थी अल्लाह के कलाम की ताकत से। इसलिए अल्लाह का कलाम सबके वास्ते उतरा है, हर कोई पढ़ सकता, हर कोई वो कर सकता, दुआएं वो सब याद कर सकते। दुआ तुम याद करेंगे, खाने की दुआ, चलने की दुआ, फिरने की दुआ, बैठने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, तो तुम महफूज रहेंगे, क्योंकि कोई जादू टोना नहीं चल सकेगा। और कोई जादू टोना चला रहा भी तो फिर तुम्हारा जादू टोना तुम्हारे पे चला रहा हट भी जाएगा, क्योंकि तुम दुआ जो पढ़ लेते तो तुम दुआ पढ़ के अल्लाह को अपने हवाले कर देते तुम, यानी कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हारी हिफाजत की जब अल्लाह ने ठान लिया तो फिर तो कोई तुम्हारे बाल भी बाका नहीं कर सकता। और तुम दुआ नहीं पढ़ेंगे तो तुमने अपने आप को शैतान के हवाले करे, फिर शैतान तुम्हारे लिए जाकर डुबा देता। तो इस वास्ते बेहतर है कि दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ सब लोग सीख सकते, सब लोग पढ़ सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ही मुसलमान है, हम ही दुआ पढ़ेंगे, हम ही दुआ पढ़ के फैज देंगे। सबको फैज देता अल्लाह सब, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है। सब लोग याद करना हर चीज की दुआएं, हर चीज की तरीके बहुत अच्छे से महफूज रहेंगे। और तहारत से रहना सीखो मुसलमान के बच्चों, पर बहुत बार तुम लोगों को भी देखा तुम तहारत में नहीं रह रहे, तुमको रहना तहारत नहीं है, तहारत दुकान में मिलती क्या तहारत लाने का क्या खरीद के 5-10 किलो, शर्म आना शर्म बोलने को। तकवा और परहेजगारी का तो नाम इस्लाम है ना, ऐसा तकवा और परहेजगारी करना इंसान ने, तुमको तहारत से रहना, वजू से रहना, हर वक्त तुम तहारत में और वजू में रहेंगे तुम्हारे पे कौन कैसा जादू चला सकेगा। तुम कवच में आ रहे ना अल्लाह की बंदिश में, अल्लाह के पीस में आ रहे, तुम अमान में, हिफ्ज़ो अमान में, तो ये सब चीजों से तुम रहेंगे। जब तुम वजू से और तहारत से रहने लगेंगे तो तुम खुद ब खुद नमाज की तरफ तुम्हारा दिल रुजू होगा। नमाज को मजबूती से, नमाज की रस्सी को थाम लिया करो, क्योंकि नमाज मोहताज, ये दोनों सेम है, पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की, और दोनों भी इंसान के लिए जरूरी है। जिस्म के प्यास के लिए पानी पीना जरूरी है, रूह की प्यास के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। तो ये बात याद रखना, नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की और पानी भी मोहताज नहीं पीने वालों का, मगर दोनों भी जरूरत की चीजें हैं, दोनों को भी पीना पड़ता है। जिस्म की प्यास के लिए पानी और रूह की प्यास के लिए नमाज, इसलिए नमाज की रस्सी को मजबूती से थामो। तुम नमाज पढ़िए तो तुम तहारत में रहेंगे, तुम वजू में रहेंगे, और ना जाने मौत का फरिश्ता कब आ जाएगा तुम्हारा मालूम है क्या? सामान सौ बरस का खरीद रहे, पल की खबर नहीं, तहारत आज नहीं रखते हम, कल से तहारत लेंगे, कल से वजू करके रहेंगे हजरत, ऐसा बोलते मेरे सामने, शर्म आना तुम लोगों को। मौत का फरिश्ता पलक मारने से पहले आ जाएगा, जब भी हुकुम होगा उसको तुम्हारी रूह की जिंदगी लिए, जब क्या उसको ऐसा बोलेंगे क्या, वही जरा रुक जाए, हम जरा तहारत लेके आते, जरा वजू करके आते, मौका नहीं मिलेगा ना। इसलिए तुम्हारी रूह जब भी कब्जूंगी, कुल नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, आज नहीं तो कल सबको चखना है। मगर ये बात याद रखो, जब तुम्हारी रूह कब्ज होंगी और उस वक्त तुम अगर वजू में और तहारत में रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बन गए, समझ गए ना। और अगर बगैर वजू के और बगैर तहारत उठेगी तुम्हारी रूह कब्ज होके जाएंगी, फिर क्या आलम रहेगा तुम्हारा, गए गुनेगारों में, गए शैतान के साथ में, गए शैतान के साथ शामिल होके। इसलिए पाबंदी करो, पाबंदी रखो नमाज की, पाबंदी रखो। जब तुम नमाज की रखेंगे तो खुद ब खुद तुम्हारी तहारत दुरुस्त हो जाएंगे, खुद ब खुद तुम्हारा वजू दुरुस्त हो जाएगा, खुद ब खुद तुम्हारा गुसल दुरुस्त हो जाएगा। ये सब चीजें, ये चीजें सीखो, अमल करो, अमल करो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला है। कल करने का तो आज कर, आज करने का तो अभी कर, अभी करने का तो चल उठ और शुरू कर, क्योंकि मैं कल नमाज पढ़ूंगा, मैं परसों से नमाज चालू कर दूंगा, मैं कल कुरान सीख लूंगा। अरे कुरान, नमाज, हदीस, ऐसी रस्सी को मजबूती से थामो ने तो आज नहीं तो कल तुम मरोगे तो क्या भरने वाले खुदा के सामने, क्या बोलेंगे, ना मैं सीखने वाला था, मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं अरबी नहीं सीखा, ऐसी बात कर सकते क्या, कैसे भरेंगे फिर, आजाब चालू हो जाएंगे ना खबर में। ये सब मजाक नहीं है, मजाक, खबर का आजाब अगर तुम पे जाहिर कर देते थे इतना भयानक आलम की तुम पिघल के पानी बच जाते थे, देख के आलम हो कितना खतरनाक है। खबर का आजाब, मजाक थोड़ी है, खबर का आजाब से बचो। अल्लाह सारे उम्मत मोहम्मद खबर के आजाब से महफूज रखे, बचाए, और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए। जन्नतुल फिरदौस का हकदार कोई यूं ही नहीं बन जाता, जिक्र, अस्कार, इबादत, तक्वे, परहेजगारियां तुम आपको वहां ले जाती, समझ गए। ये सब बातों पर अमल करो, और अल्लाह के बुजुर्गान दीन के दरों पे जाया करो, वहां जाने से तुम्हारा दीन और तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा बुजुर्गान दीन के पास जाने से। ये बात याद रखना, क्योंकि
ये जमाना तो ऐसा हो गया है कि दीन ये दौर ऐसा चल रहा कि हथेली पर अंगार रख के कसा लेके चलते तो वैसा तुम्हारा दीन लेके चले वैसा इतना मुश्किल होगा तुम्हारे लोगों के रास्ते, क्योंकि तुम्हारे जगह जगह बहकाने वाले लोग फिरके में पड़ गए वाले, जगह जगह फिरकों में खींच रहे। इसलिए अल्लाह वालों के दर पर जाया करो, तुम्हारा दीन तुम्हारी दुनिया तुम्हारी आखिरत सब मजबूत कर देते हैं। उनके लम्हों में बोले आला ना कि एक लम्हा अल्लाह वालों के साथ में बैठना पूरी आलम की जिंदगी 60 साल की इबादत करने के बराबर है। ये सब और अल्लाह के वलियों को कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि तुम मजाक में अगर बुरा बोल देते तो ये बातों से भी तुम पे नहुसती ताजी हो जाती, क्योंकि अल्लाह फरमाता के कुरान के अंदर फरमाता अगर मेरे वलियों को बुरा बोलते तो फिर खुला जंग का ऐलान करता मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह फरमाता चलो तैयार हो जाओ अल्लाह के साथ जंग करने, खुला जंग तुम्हारे साथ में खुली जंग का ऐलान करता हूँ मैं उसके वलियों को बुरा बोलेगा, क्योंकि उसके वलियों को जो रहते अल्लाह के वली अल्लाह लोग बुजुर्गान दीन जो है उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता, तुम्हारे से कुछ लेना दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने खाली तू मुझ में मैं तुझ में राज दाम बोल के फना हो गया रहती इबादतों में। उन्होंने दिन देखते ना रात देखते ना पानी ना खाना ना पीना ना तुम्हारे जैसे बच्चे देखे ना बीबी ना कुछ ना गया, खाली इबादत 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 में फना हो गया लोग है वो। तो अल्लाह उनसे ऐसा राजी हो गया अल्लाह ऐसा राजी हो गया अल्लाह की फिर अल्लाह ने बोल दिया कि कह दो कि वो अल्लाह के दोस्त है। और हकीकतन मायनों में अल्लाह से डरते फिर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता हकीकतन मायनों में अल्लाह की इबादत करता हुआ अल्लाह का वली, हकीकतन मायनों में अल्लाह से डरता हुआ अल्लाह का वली। इतनी सारी बातें फिर आगे फरमाता अल्लाह कि कुरान के अंदर और कि तुम अल्लाह के वलियों से बुग्ज ना रखो, अगर बुग्ज रखोगे दिल में कीना कपट रखोगे फिर अल्लाह तुम्हारे साथ खुली जंग का ऐलान करता। ये सब बातों से पनाह मांगो, अल्लाह का अजाब से पनाह मांगो। तुम्हारे कोई किड़कुड़ बीमारियां लग गए कुछ भी लग गए मामूली बात आओगे कुछ भी हो गए आफतें आ गए तो तुम टाल दे सकते हैं, मगर आजाब में गिर गए तो कभी आजाब नहीं टलता। आजाब फिर इतना खतरनाक है, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत पूरे वलियों के शहनशाह सर के ताज बनाया अल्लाह ने। पीराने पीर खुतुबे रब्बानी अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ और बोला कि हजरत ये क्या है तुम्हारे दरबार में मच्छी तड़पे वैसा एक शख्स तड़प रहा, तुम उसको राहत क्यों नहीं दिला रहे, अल्लाह से लेके दुआ दे कि जो भी है तो राहत क्यों नहीं कर रहे, उसके दुआ क्यों नहीं कर रहे, उसको राहत क्यों नहीं मिल रही, आपके दर से तो हर कोई फैज पाके जाता, फिर ये नहीं मच्छी तड़पे वैसा क्यों तड़प रहा, बेअदबी की सजा मिली उसको। क्या बेअदबी, आपने फरमाया कि तीन खुतुब हवा में तीन अब्दाल हवा में उड़ के जा रहे थे, तीन अब्दाल हवा में उड़कर जा रहे थे तो तीन अब्दाल में से अब्दाल वो रहते कि अल्लाह ने फरमाया रही थी दुनिया तक 70 अब्दाल बरकरार रखूंगा, मौत का फरमान किस कब मारना है कौन कब जिंदा हूं कौन कब पैदा होऊंगा, हर 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 चीज का रिकॉर्ड हर चीज का उनके हाथ से होता अब्दालों के, और रही थी दुनिया तक 70 अब्दाल अल्लाह ने बोला बरकरार रखूंगा। हदीस में पढ़ लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल के बारे में क्या बताया तुम्हारा वो भी पता चलेगा। और तीन अब्दाल इस हवा में उड़कर जा रहे थे तो एक अब्दाल ने देखा कि सामने गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का गुम्मद आ रहा है, उनके हुजरे के ऊपर से कैसा जाएंगे बोल के एक ऐसा चलेगा टन लेकर, दूसरा इधर टन ले लिया राइट साइड में, एक ने लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और तीसरा जो था तो उन्हें क्या करा अना 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 अपना घमंड 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 इस बात का घमंड कि मैं क्यों इधर से टन मार के जाऊं इनके गुम्मद के ऊपर से चल जाता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं बोलता मैं भी ऐसा सोच रहा कि मैं भी इबादत में रुतबे में बुलंद हूँ ना अब्दाल हूँ ना अब्दाल, कहीं वलियों पर एक कुतुब कहीं कुतुब पर एक अब्दाल होता तो अब्दाल हूँ मैं। अब्दाल वो होते कि अब्दाल ने अगर हुक्म दे दिया पहाड़ चल तो चलना पड़ता है, जमीन फट जा तो फट जाना पड़ता, आसमान बादल फट के गिर जाए जो हुक्म दे दिए वो, क्योंकि उनके हाथ में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उनके हाथ में निजाम दिया रहता। तो अब उन्होंने क्या सोचे कि गौसुल आजम का गुंबद है मेरा भी तो रुतबा बड़ा है नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा सोचना अस्तग़फिरुल्लाह उनके उम्मत पे से चलेगा जाने की कोशिश करा, जाने की कोशिश करते ऐसी फटकर लगी लग के नीचे गिर के मच्छी का सतरा उठती सतरा उठते। गौसुल आजम ने फरमाया ये जा रहा था बेअदबी करके दो चलेगा दो तरफ टन मार के अदब का मकाम याद करके, गौस का ये है उम्मत और इसने बेअदबी कर दिया, इसने बोला कि मैं उम्मत पे चल जाता हूँ क्या है, फिर ऐसा गिरा अल्लाह ने गिरा के आजाब में घेर लिया उसको, ऐसा अल्लाह आजाब में घेर लेता। और दुआ दवा बीमारी राइट कर देती, दुआ तुम्हारे सब राइट कर देती सारे मसले मसाइला, मगर आजाब फिर बहुत दुआ करना पड़ता, फिर बहुत अल्लाह वाली जबान होना तो आजाब इलाही हटता जब अल्लाह राजी होता, और जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा फिर आजाब कोई नहीं हटा सकते। इसलिए कभी भी याद रखना आजाब में नहीं घिरना, जो आजाब में घिर गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती। फिर समझ लो बहुत बहुत सारे बातें, इसलिए बेअदबी
अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन के सामने बहुत अदब से पेश आना पड़ता। अल्लाह ने पहले तो कुरान में फरमा दिया ना कि बहुत अदब से पेश आओ, ये सारे बातें बता दिया, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह के बच्चे। और बहुत सारे बातें हैं बुजुर्गाने दीन के पास जाने से रोकना नहीं, दरगाह पे जाना फलाना, दरगाह पे नहीं जाना, शिर्क, शिर्क वहां जाना नहीं है, शिर्क कहाँ जाना है। मेरे दूसरी वीडियो में देखो मुसलमान चर्चों में चले जा रहे, फैज पानी करते, वहां फैज इतने मिलता ना, वहां जाना शिर्क हो रहा, गैरुल्लाह के पास जाना शिर्क हो रहा, ये दरगाहों पे जाना शिर्क नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन यहाँ जाने से तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दीन मजबूत होता। बहुत सारे बातें, बहुत सारे कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, मैं क्या बोलूं। ठीक है चलो।